घाटशिला के दाहीगोड़ा स्थित कार्यालय में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यों से संतुष्ट होकर घाटशिला के पत्रकारों को सम्मान करते हुए गुलदस्ता एवं ईश्वर के चित्र भेंट की गई। इससे पूर्व संस्था के घाटशिला प्रमुख बी के रूपा बहन ने जीटीएन न्यूज के प्रकाशक सह संपादक सुशील प्रसाद, दैनिक जागरण के घाटशिला प्रमुख राजेश चौबे, दैनिक भास्कर के प्रमुख राजेश कुमार सिंह एवं हिंदुस्तान के वरीय संवाददाता कमलेश सिंह के साथ संस्था के साथ सदैव कार्य में तत्पर संस्था के सदस्य प्रकाश जायसवाल को तिलक लगाया और अपेक्षा की गई कि इसी तरह से सभी मिलकर परमात्मा को याद करते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक शांति को कैसे आए, पैसे तो आने ही जाएगा जब तक आप इस स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, है ना। ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान है ना। ये किताब मैं इसलिए आपको दे रही, इसे लेके रखने के लिए नहीं दे रही। देख रहे ना, अगर हम लोग आत्मा समझ परमात्मा को याद करते थे, पावर हम लोग को दिखेगा नहीं, लेकिन ये मिलेगा जो ये सच्चा साथी बन के आपके जीवन में जाएगा, यही हमारा पुण्य की पूंजी है, ठीक है ना। तो इसमें से आप रोज तो कम से कम दो लाइन भी पढ़िए, है ना। जैसे आप लोगों को तो बहुत समय नहीं रहता है, चलो मुझे समझ आता है, लेकिन ये दो लाइन भी आप अगर पढ़ेंगे ना, तब आपको इसका महत्व तो क्या है ना, तब जाएगा। एक साथ पढ़ के भी खत्म मत कीजिए, पहले दो दो लाइन चार चार लाइन कर लिया, ठीक है। लेना कोई नहीं, ये निशुल्क है और कोई भी इसका जो है लाभ उठा सकते। इसमें इस स्कूल का नाम है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजा यहाँ दुखी है, चिल्ला रहा है, हे भगवान सुख दो, शांति दो, धन दो, दौलत दो, बेटा दो, बहू दो, सबको तो कुछ ना कुछ मांग ही रहे, बीमारी ठीक कर दो, ये करो वो करो, लेकिन सिर्फ मांगने से तो नहीं मिलेगा, और सिर्फ आप चिल्लाते रहेंगे तो आपको तो मिलेगा नहीं। इसलिए प्रजापिता माना स्वयं परमात्मा जो है प्रजा के सामने, अपने बच्चों के सामने अवतरित हो करके और सम्मुख आ करके हम लोग को ये ईश्वरीय ज्ञान जो है दे दे। देखिए इशारा करने वाले बहुत मैसेंजर आए हैं उनके पास, है ना, जैसे गौतम बुद्ध ने भी आए, है ना, आपका क्राइस्ट भी आए, उन्होंने क्या कहा, गॉड इज ब्लाइंड, है ना, एक ओंकार सतना, है ना, गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार सतना, तो एक ओंकार है कौन, है ना। मैसेज तो उन्होंने बहुत अच्छा से दिया, लेकिन हम जो मनुष्य है, हम मनुष्य इस बात को नहीं समझे, है ना। इसलिए डायरेक्ट तो भगवान कब आते हैं, जब धर्म की ग्लानी होने लगती है, अत्याचार पापाचार, है ना, जब धर्म की भी ग्लानी शुरू होती है तब परमात्मा जो है ना आएंगे। तो आएंगे कैसे, अब तो वो निराकार है, तो निराकार परमात्मा आके हम बच्चों को अपना परिचय कैसे देंगे। जैसे हम लोग भी बोल रहे हैं, चाल रहे, चल रहे, कोई तो शक्ति है हमारे शरीर में, है ना, जिसको आप लोग घरेलू भाषा में जान और प्राण कहते हैं, उसी को आध्यात्मिकता में हम लोग आत्मा कहते हैं। तो परमात्मा भी निराकार है ना, भगवान तो वो है जो निराकार है, जिसका भी शरीर है वो पाप पुण्य के लेके जोखे में आते हैं। जैसे देवी देवताओं को भी हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने को भी दिखाया, गृहस्थ दिखाया है, और उन्होंने भी बहुत संघर्ष करके जीवन जिए है ना, ऐसा आपको शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा का सत्य परिचय एक बच्चा अच्छा से देगा या फिर खुद पिता अच्छा से देगा, कौन अच्छा से देगा, आपको क्या लगता है, एक बच्चा अच्छा से अपना परिचय देगा, आपके परिवार का परिचय देगा, या फिर आप अच्छे से परिचय देगा? जरूर पिता देगा, है ना। तो बच्चे आके हम लोग को परिचय दिए, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आया, अपने अपने तरीके से लोग पूजा पाठ किए, सुख शांति प्राप्ति किए, फिर भी आप सब दुखी है और सब मिलकर पुकारे हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ठीक है। तो अभी आकर के स्वयं परमात्मा अपना सत्य परिचय खुद का भी दे रहे हैं और हम बच्चों को भी बता रहे, बच्चे तुम कौन थे, तुम कहाँ से इस दुनिया में आए, तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर जाओगे। अभी हम आपको ही पूछेंगे आप कौन है, तो आप अपना परिचय देंगे, अपना घर का परिचय देंगे, अपने घर का एड्रेस देंगे, लेकिन ये हमारा सही एड्रेस नहीं है। तो परमात्मा जी आकर के है ना, उनको बड़े प्यार से हम लोग शिव बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा।
हल्दी पोखर पंचायत सचिवालय में पान तांती बुनकर समिति द्वारा एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं ने काफी उत्साह दिखाया। इस दौरान समिति के सचिव राज बल्लभ तांती ने कहा कि रक्त की वजह से किसी की मौत न हो। नमस्कार, मैं राज बल्लभ तांती, पान तांती बुनकर विकास समिति रजिस्टर्ड झारखंड का मैं संस्थापक सह महासचिव हूँ। ये जो हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किए हैं, ये हमारे समिति की तत्वावधान में हम लोगों के देखरेख में ये हो रहा है। और आजकल जो देखते हैं हम लोग कि हमारे माहौल समाज में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं सड़क में यहाँ वहाँ हो रही है, उस दुर्घटनाओं के लिए और विभिन्न तरह की जो आजकल हमारे समाज में जो व्याप्त व्याधि है, रोग हो रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए चिकित्सा के लिए हम लोगों को हमेशा रक्त की आवश्यकता पड़ती है। और उस रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया हुआ है। इसमें स्वेच्छा से लोग आते हैं, रक्तदान करते हैं, बैंक में हम लोगों का जमा रहता है और जब कभी भी किसी व्याधि को या कोई भी किसी पेशेंट को जरूरत पड़ता है उसको हम लोग आपूर्ति कराते हैं। जुलूस के दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी। हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक की मौत हो गई और दो लोग जुलूस के घायल हो गए। यह जुलूस बिशनपुर से केडू जा रहा था। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।